Assalamu alaikum. Good afternoon. Sunday, April 5, 2020. Working from home ka aaj probably 12वां 13वां din hai. To main aapse puchna cha raha hu kaisa lag raha hai itne dinon se begum ke haath ke khane khana aur ghar pe rehna aur fix routine na bahar nahi ja sakte full time aap pe nazar hai aapki family ki aur ghar ke kaam karne pad rahe hain. तो वर्किंग फ्रॉम होम के फ़ायदे भी हैं और कम फ़ायदे भी हैं. तो इस टाइम को कैसे प्रोडक्टिव बनाया जा सकता है, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि आपके फैमिली के साथ रहते हुए आप अच्छे इन्वायरमेंट में काम भी करें और घर के इस टाइम को एंजॉय भी करें. तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि कम अज़ कम आप सब बैठ के एक दफ़ा अपने सारे सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को ही अपडेट कर लें कि पता नहीं कब की प्रोफाइल पिक्चर लगी हुई है, हेडिंग ठीक नहीं है, प्रोफाइल कंप्लीट नहीं है. एटलीस्ट वो चीज़ें कंप्लीट कर लें ताकि आम दिनों में तो आपके पास बहाना होता है हमें टाइम नहीं मिलता, तो आप उसको थोड़ा टाइम दें. कितनी किताबें पढ़ी हैं आपने इस टाइम में? मैंने तो एक किताब पढ़ी है पिछले 10 दिन में. आपने कितनी पढ़ी है? रिलीजियस ऑब्लिगेशंस जो हम आमतौर पर वक्त ना मिलने की का गिला करते हैं, अभी टाइम है उसको जितना ज़्यादा आप कर सकें. आपके हमारे पास मौका है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करें, नमाज़ पढ़ें. फिर उसके अलावा ऐसे वो दोस्त जिनसे आपका पिछले 2 साल से कोई कांटेक्ट नहीं था उनको कॉल करें, उनकी खैरियत पूछें. ऐसे रिलेटिव्स जिनको आप बुरा समझते थे या एटलीस्ट आप अच्छा नहीं समझते उनको कॉल करें, उनसे हेलो आई करें, खैरियत पूछें. अपनी पुरानी कंपनी के कोलीग्स को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आप अपने हल्का अहबाब में और जितने लोगों से आपका कॉन्टेक्ट नहीं हो रहा था उनसे बात कर सकते हैं. म्यूज़िक इन्जॉय कर सकते हैं आप आर्ट्स हॉबीज़ अपनी जो है उसको टाइम दे सकते हैं, चाहे पेंटिंग है, गार्डनिंग है, इवन कुकिंग है. और वीडियो के नीचे कमेंट में ये भी बताइएगा कि कौन सी ऐसी नई डिश आपने इन दिनों में ट्राई की है या आपको आपकी वाइफ ने थैंक्स टू हर अगर बना के दी है. और गॉड ब्लेस यू. अपना ख्याल रखें, इसी तरह खुश रहें और घर पे रहें, बाहर ना निकलें. कोशिश करें कि आप कोरोना वायरस को स्प्रेड होने का बायस ना बने. गॉड ब्लेस यू. हैव अ ग्रेट वीकेंड. खुदा हाफिज़.